वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में 1/12 मास ऑफ कार्बन यूज करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फॉर्मूला में यहाँ जो 1/12 मास ऑफ कार्बन यूज हुआ है उसकी जगह अगर मैं 1/6 मास ऑफ कार्बन यूज करता हूं तो 1 मोल ऑफ एक्स एटम, 1 मोल ऑफ एक्स एटम मास के ऊपर क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन देखिए थोड़ा ट्रिकी बोलता, इस फॉर्मूला में हम लोग ये तो सबको पता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम यूज करते हैं, और ये बात भी पता होनी चाहिए दिस हैज नो यूनिट, दिस इज रेशियो, डायमेंशन लेस होता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला 9th में पढ़ा था। बोला यहाँ 1/12 जो आज तक आप याद किए थे कि यूज करते हैं, अगर उसकी जगह 1/6 यूज करेंगे तो 1 मोल का मास में क्या डिफरेंस आएगा। सो देखो 1 मोल ऑफ एक्स एटम का मास क्या है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 6.02 × 10⁻²³। ये है 23 एटम ऑफ एक्स। देखो यहां पर अगर आप 1/6 यूज करोगे तो ये चेंज करेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट चेंज करेगा, ये कैसे चेंज कर जाएगा, ये चेंज नहीं करेगा। 6.02 × 10⁻²³ एटम का मास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट पे डिपेंडेंट है ही नहीं। हम लोग बोल देते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है, ये डायमेंशनलेस है और एटॉमिक मास डायमेंशनलेस नहीं है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में ये चेंज करने से 1 मोल ऑफ एक्स एटम का मास चेंज नहीं करेगा, दिस इज मास ऑफ दीज मैनी एटम्स ऑफ एक्स और ये फिक्स क्वांटिटी है, ये एक्चुअली आप वे कर दो, आप मेजर कर दो बैलेंस में रख के इसको, ये रेशियो है, रेशियो चेंज करेगा, बट ये यहां से तो डिराइव हुआ नहीं है, ना ही इसके कैलकुलेशन में इसका कोई रोल है, ठीक है। सो आंसर विल बी, देयर विल बी नो चेंज बिकॉज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। थैंक यू।